सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल बायोवालाज पे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ स्पोरुलेशन के बारे में। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था, कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द मोनेरन्स एंड द प्रोटिस्टन्स के कैटेगरी में मैंने आपको मेथड ऑफ मल्टीपल फ्यूजन के प्रोसेस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि अमीबा एज वेल एज प्लाज्मोडियम इन दोनों ही एग्जाम्पल में मल्टीपल फ्यूजन कैसे होता है। वहां पर मैंने विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। उस लेक्चर के बाद उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वन मोर मैथड दैट इज बेसिकली नन एज स्पोरुलेशन। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पोरुलेशन का प्रोसेस क्या होता है। इसके डेफिनेशन और इसके प्रोसेस को स्टडी करने से पहले हम सीधे इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं और उसी ही पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस प्रोसीजर को या फिर इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो स्पोरुलेशन जो होता है वो आखिर किस इंडिविजुअल में होता है या कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है तो जो कि स्पोरुलेशन के प्रोसेस के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेने वाले हैं, एक सिंगल एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। हमने सपोज यहां पे एग्जाम्पल लिया है अमीबा। क्या लिया है? अमीबा लिया है। ठीक है, अब देखिए अमीबा में क्या होता है। मैंने कहा अमीबा जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं बाय द मेथड ऑफ स्पोरुलेशन। ठीक है, लेकिन अमीबा में स्पोरुलेशन के अलावा भी हमने बहुत सारे मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिंपल टाइप ऑफ बाइनरी फ्यूजन में भी अमीबा के बारे में बताया था कि अमीबा में सिंपल टाइप ऑफ बाइनरी फ्यूजन भी होता है। मल्टीपल फ्यूजन में भी मैंने आपको अमीबा को एक्सप्लेन किया था और आज के इस लेक्चर में हमने जो स्पोरुलेशन का टॉपिक लिया है तो इसमें भी हम अमीबा को कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन आखिर हमें ये पता कैसे चले कि किस कंडीशन में अमीबा जो है वो बाइनरी फ्यूजन को अडॉप्ट करता है, किस कंडीशन में उसमें मल्टीपल फ्यूजन होता है और किस कंडीशन में वो जो है खुद को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाता है बाय द मेथड ऑफ स्पोरुलेशन। ठीक है, तो इन सभी जो बेसिक बातें हैं या जो फंडामेंटल्स है उसको हम इन्हें कंसेप्चुअल वे इस लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए मैंने यहां पर एग्जांपल क्या लिया है, मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है अमीबा का। अब अमीबा जो है इसमें स्पोरुलेशन का प्रोसेस कैसा होता है तो उसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे एग्जांपल जो कि अमीबा में लिया है और ये बोला कि ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं बाय द मेथड ऑफ स्पोरुलेशन। तो हमने क्या किया, एनसीईआरटी का ही एक डायग्राम कंसिडर करते हैं। सपोज हमने यहाँ पे अमीबा का एक डायग्राम लिया। आपको पता है अमीबा के इस डायग्राम में जो अमीबा होता है वो एक इस तरह का एक्सक्लूजन लिए होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इस तरह के एक्सक्लूजन लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ जो है डेवलप होता है। तो ये अमीबा लिया हमने। ठीक है, ये क्या लिया हमने, सपोज हमने यहाँ पर स्पोरुलेशन के प्रोसेस को समझने के लिए अमीबा का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अब देखिए इस अमीबा में आपको क्या देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी में बिल्कुल एक सिंपल सा लैंग्वेज बताया हुआ है कि अमीबा का जो शेप होता है वो कैसा होता है, इररेगुलर शेप होता है। अमीबा का शेप कैसा होता है, इररेगुलर शेप होता है। तो इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला कि ये अगर हम अमीबा की बात करते हैं और अमीबा के शेप की बात करते हैं तो इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, ये इररेगुलर होता है। कोई फिक्स शेप में ये नहीं पाए जाते हैं, इसका शेप कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि ये इररेगुलर शेप के होते हैं। एक्चुअली मैं आपको ये पॉइंट भी पता होना चाहिए कि अमीबा जो है इस टर्म का मीनिंग ही क्या होता है या फिर इस वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है। इसका मीनिंग होता है चेंज। क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, तो अमीबा का कोई पर्टिकुलर फिक्स कोई क्या है शेप नहीं होता और अमीबा वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है, चेंज होता है। ये चेंजिंग या फिर वेरिएबल शेप को क्या करते हैं, शो करते हैं। अब मैंने आपको कहा कि इस पर्टिकुलर डायग्राम जो कि यहाँ पे एनसीईआरटी में भी गिवन है, अमीबा के इरेगुलर शेप को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसके यहाँ पे क्या
ले लिया, इसके न्यूक्लियस की भी बात कर ली हमने। ये क्या है, हमने यहाँ पर अमीबा का क्या ले लिया है, न्यूक्लियस ले लिया है। ठीक है, हमने कहा ये जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने ग्रीन मार्कर से बनाया है ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक एक्सक्लूजन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, और इस एक्सक्लूजन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, जो कि हमें अमीबा में देखने को मिलता है, इस एक्सक्लूजन लाइक स्ट्रक्चर को स्टूडेंट हम कहते हैं स्वेडोपोडिया। क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ये जो बाहर की तरफ एक्सक्लूजन लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्वेडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वेडोपोडिया कहते हैं। अब देखिए आखिर ये स्वेडोपोडिया जो है वो बेसिकली किस वर्क के लिए, या फिर ये कौन सा फंक्शन शो करने के लिए अमीबा में इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है स्वेडोपोडिया, और स्वेडोपोडिया जो होता है इसका मीनिंग हम समझने की कोशिश करते हैं। स्वेडोपोडिया जो है बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है फॉल्स फिट। क्या होता है, इसका मीनिंग होता है फॉल्स फिट। जहाँ पर ये जो स्वेडो टर्म होता है स्टूडेंट, ये जो मैंने लिखा है स्वेडो, स्वेडो यहाँ पर फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। स्वेडो का मीनिंग क्या होता है, स्वेडो अगर किसी भी पर्टिकुलर टर्म में आपको दिखाई दे बायोलॉजी में तो उसका मीनिंग क्या होता है, फॉल्स होता है। ठीक है, और यहां पे अगर हम किसकी बात करते हैं, पोडिया की बात करते हैं, पोड्स की बात करते हैं, तो ये फिट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने देखा कि ये जो अमीबा में कुछ एक बाहर की तरफ एक्सक्लूजन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसे हमने स्वेडोपोडिया बोल दिया, और स्वेडोपोडिया का मीनिंग क्या होता है, फॉल्स फिट होता है। ठीक है, और ये जो एक्सक्लूजन होते हैं वो एट ए पर्टिकुलर टाइम क्या होता है, इसमें एक्सटेंशन देखा जाता है, वही दूसरी तरफ वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन से इनमें क्या होता है, थोड़ा बहुत लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर स्यूडोपोडिया पॉसिबल हो पाता है। तो बेसिकली आपको बस ये लर्न करना है कि ये जो है लोकोमोशन के लिए पाया जाने वाला अमीबा में क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसे हम यहां पे स्यूडोपोडिया बोलते हैं। तो हमने यहां पे अमीबा के स्ट्रक्चर को पहले समझा, अब हम यहां पे अमीबा में स्पोरुलेशन का प्रोसेस कब और कैसे होता है उसको समझने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है स्टूडेंट कि जब अमीबा जो है अपने आप को डिवाइड करना चाहेगा या फिर खुद में ग्रोथ करना चाहेगा, खुद को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना चाहेगा, तो उस कंडीशन में हम एक केस कंसीडर कर रहे हैं कि सपोज अमीबा के ग्रोथ या फिर उसके डिवीजन फेज से गुजरने के लिए ऐसे कंडीशन को हम कंसिडर करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन करते हैं जो उसके फेवरेबल ना हो। ठीक है, हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अनफेवरेबल कंडीशन की बात करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन का मीनिंग ये होता है कि ये जो अमीबा है अनफेवरेबल कंडीशन में डिवीजन को शो नहीं करना चाहेगा। क्यों, क्योंकि जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अमीबा में हम किसकी बात करने वाले हैं, सपोज अमीबा में हम यहाँ पे एक कंडीशन को डिस्कस करने वाले हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या करता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए हम यहां पे एक केस लेने वाले हैं। मैंने बोला कि अगर हम अनफेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशंस की बात करते हैं तो ये अनफेवरेबल कंडीशंस में अमीबा में क्या होता है स्टूडेंट, एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। मैंने कहा किसका फॉर्मेशन होता है, यहां पे सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर जब मैंने आपको मल्टीपल फ्यूजन के बारे में बताया था तो आप उस वीडियो लेक्चर में भी जाकर देख सकते हैं कि मल्टीपल फ्यूजन इन द प्लाज्मोडियम में भी मैंने कुछ एक सिस्ट लाइक वॉल का फॉर्मेशन किया था, और इन द प्रोसेस ऑफ स्पोरुलेशन इन अमीबा यहां पर भी क्या होता है, सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है अमीबा अपने सराउंडिंग में अपने चारों तरफ फॉर्म कर लेते हैं, और ये जो सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है वो रेजिस्टेंट नेचर का होता है, प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा को प्रोटेक्ट करता है, उसको बचाता है। ठीक है, एडवर्स कंडीशन में। अब देखिए अब यहाँ पे अमीबा क्या करेगा, हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं। तो अमीबा का चूंकि शेप यहाँ पे इरेगुलर है, तो मैंने जो ये आउटर जो एक्सक्लूजन लिए हैं, अगर आप डायग्राम बनाते समय दो चार एक्सक्लूजन या फिर ये जो स्यूडोपोडिया है और ऐड कर देंगे तो इसके प्रॉपर शेप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका शेप होता ही क्या है, इरेगुलर होता है। तो देखिए अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट का फॉर्मेशन अमीबा में कैसे होता है हम ये समझेंगे, उसके बाद स्पोरुलेशन का प्रोसेस हम समझेंगे। देखिए यहां पर मैंने कहा कि हमने क्या कंसीडर किया, सपोज यहां पे हमने ये अमीबा ले लिया। ठीक है, ये क्या है, अमीबा ले लिया, अमीबा का कैसा भी शेप हो सकता है, मैंने ऐसा ले लिया है। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पे अनफेवरेबल कंडीशन में जब उसके अकॉर्डिंगली कंडीशन नहीं होता है
तो अमीबा के सराउंडिंग में कुछ इस तरह के यहाँ पे सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन ये जो सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होते हुए आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली 3 लेयर्स बनती है। सिस्ट की भी कितनी लेयर्स बनती है, मैंने कहा यहाँ पे सिस्ट की 3 लेयर्स बनती है। तो हमने यहाँ पे अमीबा लिया, उसके बाहर जो है सिस्ट के यहाँ पे 3 लेयर्स को 1 by 1 हम क्या करने वाले हैं, इस तरह से हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। वन मोर लेयर यहाँ पे हम सिस्ट का बना रहे हैं, मैंने कहा यहाँ पे जो है यह 3rd लेयर ऑफ सिस्ट हमने क्या कर दिया, इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखिए, मैंने जो आपको ये बताया है कि ये जो अमीबा के सराउंडिंग में इसके बाहर की तरफ पाए जाने वाली ये जो 3 लेयर्स होते हैं इस अमीबा में, इसे हम इसे क्या कहते हैं, बेसिकली इन्हीं 3 लेयर्स को हम यहाँ पे सिस्ट कहते हैं, या फिर हम इसे कह दें कि ये जो है अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन अपने चारों तरफ कर ले रहा है। तो कर लिया इसने, लेकिन यहाँ पे सिस्ट वॉल में कितने लेयर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सिस्ट वॉल जो फॉर्मेशन होता है उसमें कितने लेयर्स होते हैं। तो अपडेटेड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बुक्स में ये जो है ऑथेंटिक बात गिवन होती है कि सिस्ट वॉल में 3 लेयर्स जो होती हैं क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पे 3 लेयर्स यहाँ पे सिस्ट में प्रेजेंट है और अमीबा जो है अपने बाहर की तरफ सिस्ट का फॉर्मेशन कर लिया है। अब देखिए, हम ऐसे स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं जिसमें सिस्ट प्रेजेंट हो, जिसमें क्या हो, सिस्ट प्रेजेंट हो। तो अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे स्टूडेंट बोलेंगे एनसिस्टेड स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे एनसिस्टेड स्ट्रक्चर बोलेंगे। और ये जो एनसिस्टेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस एनसिस्टेड स्ट्रक्चर का या सिस्ट वॉल का अमीबा के सराउंडिंग में इसका फॉर्मेशन होना जिस प्रोसेस से होता है, या फिर इस प्रोसेस के थ्रू इसके बाहर की तरफ जो है या इसके सराउंडिंग में जो है सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। देखिए, यहां पर इस प्रोसेस को जिसके द्वारा या जिसके थ्रू सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, इसे कहते हैं एनसिस्टेशन। क्या कहते हैं, एनसिस्टेशन कहते हैं। एनसिस्टेशन के साथ साथ जो है आपको किसी किसी बुक में इसी प्रोसेस को, सिस्ट फॉर्मेशन के प्रोसेस को यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसे एनसिस्टमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनसिस्टमेंट भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए, मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस या फिर फिनोमिना जिसके द्वारा यहाँ पे सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन होता है अमीबा में, तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इंसिस्टेशन कहते हैं या इंसिस्टमेंट ऑफ अमीबा कहते हैं। बट बाय द प्रोसेस ऑफ इंसिस्टमेंट जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम यहाँ पे इंसिस्टेट स्ट्रक्चर या इंसिस्टेट प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखिए, अब बेसिकली यहाँ पर क्या होना है, जैसे ही ये सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन हो गया, तो अब हम ये मान के चल रहे हैं स्टूडेंट कि यहां पे अमीबा के लिए अब कौन सा कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन अब कन्वर्ट हो गया फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट केस को इमेजिन करते हैं कि अब जो है अमीबा के लिए फेवरेबल कंडीशन है, तो अमीबा खुद को क्या करना चाहेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना चाहेगा, खुद को डिवीजन के फेज से जो है पासिस करना चाहेगा, पास करना चाहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, यहां पर इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल थिंग, ध्यान देने वाली बात क्या है कि अब अमीबा जो है डिवीजन का जो प्रोसेस एडॉप्ट करता है या अपनाता है, वो अब बाइनरी फ्यूजन नहीं होता। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, वो अब बाइनरी फ्यूजन नहीं होता। जैसे ही सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन हो गया, तो अब ये क्या करेंगे, फेवरेबल कंडीशन में ये बहुत सारे मल्टीपल डिवीजन के फेजेस से गुजरते हैं, और जैसे ही इसमें मल्टीपल डिवीजन, बहुत बार डिवीजन हो जाता है, तो बेसिकली अब जो है बहुत सारे अमीबा का इस तरह से क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के मल्टीपल अमीबा क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे। तो देखिए, मैंने जो ये स्ट्रक्चर इसके इनसाइड बनाया है, इसमें हमने क्या कहा कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये क्या है, मैंने कहा यहाँ पे जब सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन हो गया और कंडीशन फेवरेबल था, तो अमीबा क्या करता है, मल्टीपल डिवीजन के फेजेस से गुजर के इस तरह के मल्टीपल अमीबा को क्या होता है, या फिर मल्टीपल अमीबा को फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे मल्टीपल अमीबा का क्या हो चुका है,
फॉर्मेशन हो चुका है। स्टूडेंट ये जो मल्टीपल अमीबा जो आपको यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसी मल्टीपल अमीबा को क्या कहा जाता है? देखिए इस मल्टीपल अमीबा को अब टर्म कौन सा दिया जाता है, इसे यहाँ पर कहेंगे स्वेडो, क्या कहेंगे? स्वेडोपोडियोस्पोर कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बोलेंगे? स्वेडोपोडियोस्पोर कहेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो मल्टीपल अमीबा का फॉर्मेशन हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल डिवीजन इन अमीबा, इसे हम मल्टीपल अमीबा बोल तो रहे हैं लेकिन यहाँ पे इसके लिए जो टेक्निकल टर्म या फिर बायोलॉजिकल टर्म, जो स्पेसिफिक टर्म आपको गिवन होता है बुक्स में, इसे क्या कहते हैं? स्वेडोपोडियोस्पोर कहते हैं। यहाँ पे स्वेडोपोडियो जो है स्वेडोपोडिया को रिप्रेजेंट करता है, जो बेसिकली यहाँ पे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे स्पोर इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या है, आपको दिख रहा है ये राउंडेड लाइक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए इतनी सारी बातें हमने डिस्कस कर लिया है, अब चूंकि कंडीशन अमीबा के लिए फेवरेबल है तो अब क्या होता है स्टूडेंट कि ये जो सिस्ट वॉल का आपको यहाँ पे फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा था जो कि 3 लेयर से बने हुए थे, अब ये सिस्ट वॉल फेवरेबल कंडीशन आने पे अब क्या हो जाएंगे? रैप्चर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये? अब ये सिस्ट वॉल यहाँ पर रैप्चर्ड हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम अब ये क्या कह रहे हैं कि फेवरेबल कंडीशन में, कौन से कंडीशन में? यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन नहीं ले रहे हैं, कंडीशन अब अमीबा के ग्रोथ के लिए या फिर इसके डिवीजन के अकॉर्डिंगली है, ठीक है। तो हम यहां पे फेवरेबल कंडीशन की बात करने वाले हैं कि अब देखिए कि इस फेवरेबल कंडीशन में स्टूडेंट अब क्या होगा कि फेवरेबल कंडीशन में ये जो अमीबा है, ठीक है, इसके बाहर जो सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया था, राइट, इसके बाहर जो सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया था, अब ये जो सिस्ट वॉल है अब ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ सिस्ट वॉल हमें यहां पे देखने को मिलता है, ब्रेकिंग बोल दें या फिर हम इसे कहेंगे कि सिस्ट वॉल क्या हो जाएगा? रैप्चर्ड हो जाएगा या फिर बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये सिस्ट वॉल क्या हो जाएंगे? बर्स्ट हो जाएंगे, तो ये जो मल्टीपल अमीबा है अब ये कहां आ जाएंगे? मैंने कहा अब ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल अमीबा है सिस्ट वॉल के रैप्चर होने के साथ क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे, तो हम इसे कहेंगे अब ये रिलीज आउट हो गए, बाहर आ गए, ठीक है। तो अब एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू ये जो फेवरेबल कंडीशन में सिस्ट वॉल जो है उसमें ब्रेकिंग देखा गया, वो बर्स्ट हो गया या रैप्चर्ड हो गया, और यहाँ पे जो रिलीज आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्वेडोपोडियोस्पोर या फिर मल्टीपल अमीबा देखने को मिल रहा है, तो अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को स्टूडेंट हम यहाँ पे स्पोरुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यहाँ पे इसी प्रोसेस को स्पोरुलेशन कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? स्पोरुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल अमीबा जो होते हैं या फिर स्वेडोपोडियोस्पोर जो होता है अंडर फेवरेबल कंडीशन सिस्ट वॉल के रैप्चर हो जाने के बाद रिलीज आउट हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को स्पोरुलेशन बोलेंगे। लेकिन ऐसा प्रोसेस जब अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा खुद को बचाने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसिस्टेड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, 3 लेयर्स वाले सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन करता है, तो उस प्रोसेस को इंसिस्टेशन या फिर इंसिस्टमेंट ऑफ अमीबा कहा जाता है। तो इन दोनों ही पर्टिकुलर प्रोसीजर में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए कि स्पोरुलेशन इज हाउ डिफरेंट या फिर डिफरेंट फ्रॉम द इंसिस्टमेंट या इंसिस्टेशन प्रोसेस इन अमीबा, ठीक है। तो हमने यहां पे देखा कि स्पोरुलेशन में क्या हुआ, ये मल्टीपल अमीबा अब बाहर आ जाएंगे, इस रिलीज हुए अमीबा जो है अब ये क्या होता है, ये जो रिलीज आउट हो चुके हैं मल्टीपल अमीबा, अब ये जो है इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और इसमें भी क्या होगा, इस इंडिपेंडेंट अमीबा में भी अब क्या होगा स्टूडेंट, इस इंडिपेंडेंट अमीबा में भी क्या होगा? ग्रोथ होगा, ये ग्रो करेंगे, और फाइनली ये ग्रो करके किसका फॉर्मेशन करेंगे? मैंने कहा ये इट विल कन्वर्ट इनटू द एडल्ट। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस तरह से जो है स्पोरुलेशन का प्रोसेस इन अमीबा ये क्या किया है, डिस्कस किया है। वन मोर टाइम हम इन सभी प्रोसेस को हम रिवीजन कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपको स्पोरुलेशन इन अमीबा को कैसे एक्सप्लेन किया। देखिए मैंने आपको क्या कहा स्टूडेंट, मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा कि ये जो स्पोरुलेशन का प्रोसेस है हम अमीबा का एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि आखिर ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पोरुलेशन
प्रोसेस इन अमीबा कैसे होता है, इसको समझने के लिए एनसीईआरटी में जो बेसिक डायग्राम प्रोवाइडेड है आपको अमीबा का वो हमने देखा। तो इस डायग्राम में आपने देखा कि अमीबा जो है उसका इररेगुलर शेप होता है, इस तरह से बाहर की तरफ एक्सक्लूजन निकले होते हैं जिसे हम स्यूडोपोडिया या फॉल्स फिट कहते हैं, जो लोकोमोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये तो डायग्राम है। फिर हमने कहा फर्स्ट केस जब इसके लिए कंडीशंस इसके डिवीजन और ग्रोथ के लिए उसके अकॉर्डिंगली नहीं होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये खुद को बचाने के लिए थ्री लेयर्स वाले सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जब ये कंडीशन जो है सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन जब हो जाता है और फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, तो अब ये बाइनरी फ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होना नहीं चाहते। अब ये क्या चाहते हैं, अब ये चाहते हैं कि मल्टीपल डिवीजन हो इनमें और इसके थ्रू यहाँ पे मल्टीपल अमीबा का फॉर्मेशन हो जाए। मल्टीपल अमीबा को मैंने यहाँ पे स्यूडोपोडियोस्पोर से रिप्रेजेंट किया। और ये जो स्पोर होते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर, ये क्या होता है कि इसके बाहर जो सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन आ जाने पे ये सिस्ट वॉल क्या हो जाएंगे, रैप्चर्ड हो जाएंगे या फिर ब्रेकिंग या बर्स्ट हमें यहाँ पे सिस्ट वॉल में देखने को मिलता है। जैसे ही सिस्ट वॉल रैप्चर्ड हो गया, ब्रेक हो गया, तो इससे ये मल्टीपल अमीबा बाहर निकल जाते हैं, रिलीज आउट हो जाते हैं, और इसी के रिलीज आउट होने के प्रोसेस को हम यहाँ पे स्पोरुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पोरुलेशन आपने देखा। और एक और हमने प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था कि एक ऐसा प्रोसेस बाय विच देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट वॉल सराउंड द अमीबा फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन, तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पे इंसिस्टेशन या इंसिस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, हमने इन सभी प्रोसीजर को हमने क्या किया, डिटेल में विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझने की कोशिश की। अब देखिए, वन मोर थिंग दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू नाउ, व्हाट इज इट, हमने यहाँ पे मल्टीपल अमीबा या फिर स्यूडोपोडियोस्पोर की बात की है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम स्पोर की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये जो स्पोर है, ठीक है, अगर हम इस स्पोर की बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मल्टीपल अमीबा को रिप्रेजेंट करने के लिए स्यूडोपोडियोस्पोर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्यूडोपोडियोस्पोर जो है यहाँ पे टू टाइप्स के बिहेवियर आपको शो करता हुआ दिख रहा है। स्यूडोपोडियो का जो फर्स्ट बिहेवियर है ये हम लेते हैं कौन से कंडीशन में, जब यहाँ पे कंडीशन जो है इसके फेवरेबल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया फेवरेबल कंडीशन के बारे में। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, हमने यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया कि अनफेवरेबल कंडीशन में वैसे तो ये जो स्पोर होते हैं क्या होते हैं, डॉर्मेंट फेज में होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, यही मुझे समझाना था। डॉर्मेंट को हम कहते हैं कि ये इनएक्टिव फेज में होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में ये कौन सा बिहेवियर आपको शो करता हुआ दिख रहा है, ये स्यूडोपोडियोस्पोर इन अमीबा। यहां पे अनफेवरेबल कंडीशन जब होता है तो ये जो अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो स्पोर होते हैं वो डॉर्मेंट फेज में होता है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये अनफेवरेबल कंडीशन चेंज किस में हो जाएगा, मैंने कहा जैसे ही ये फेवरेबल कंडीशन में चेंज हो जाएगा, तो फेवरेबल कंडीशन में चेंज होने पर क्या होगा स्टूडेंट, फेवरेबल कंडीशन में चेंज होने पर यहां पे सिस्ट वॉल क्या हो जाएंगे, रैप्चर हो जाएंगे। सिस्ट वॉल के रैप्चर होने से ये जो मल्टीपल अमीबा है ये स्पोर क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यहां पे स्पोरुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको ये जो प्रोटिस्टेंस और मोनिरंस में होने वाले जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने बाइनरी फ्यूजन एंड देयर टाइप्स को डिटेल में विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझा। उसके बाद मैंने प्रीवियस लेक्चर में मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम समझाया। इस लेक्चर में हमने स्पोरुलेशन अमीबा में कैसे होता है इसको हमने डिस्कस किया। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम क्या डिस्कस करेंगे, देखिए इन द नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि इन वर्टिवेट्स में आखिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मैं आपको वहां पे बडिंग के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, या जो स्पंज जो होता है उसमें जेम्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, फीजन का प्रोसेस क्या होता है, इन सभी प्रोसेसेस को इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट हम वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, और हम यहां पे ये सब सारी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट वे में गिवन है, जिसे हमें यहाँ पे एडवांस लेवल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट एग्जामिनेशन स्टडी करना था। ठीक है, अब देखिए एक नोट पॉइंट और मैं ओरली आप सभी के साथ डिस्कस कर लेता हूँ।
एक प्रोसेस होता है स्टूडेंट, इस प्रोसेस को हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक नोट पॉइंट में एक प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं। ये भी इट इज़ आल्सो अ प्रोसेस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ आल्सो अ मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम के मेथड को हम यहाँ पे कहते हैं प्लाज्मोटॉमी। क्या कहते हैं इसे? इसे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये प्लाज्मोटॉमी क्या होता है। ठीक है, ये प्लाज्मोटॉमी क्या होता है, इसको एक्सप्लेन हम कैसे कर सकते हैं कि आखिर ये प्रोसीजर कौन सा है प्लाज्मोटॉमी का। तो ये जो प्रोसीजर होता है प्लाज्मोटॉमी का, एक ऐसा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है जिसमें सपोज हमारे पास कोई भी एक पेरेंट है जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में है। ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट में अगर क्या हो, मल्टीपल डिवीजन हो, लेकिन उस मल्टीपल डिवीजन में क्या नहीं हो, न्यूक्लियाई का डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मल्टीपल डिवीजन ऑफ द मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट विदाउट द न्यूक्लियाई डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स गिवेन होते हैं प्लाज्मोटॉमी में, ये हालांकि एनसीईआरटी में गिवेन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको नोट पॉइंट में एडवांस लेवल पे बात कर रहे हैं हम, तो ये डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है। एक तो पिलोमिग्जा एक एग्जांपल है, एक ओपेलाइना एक एग्जांपल है। तो इन ओपेलाइना और पिलोमिग्जा दो स्पीसीज, दो इंडिविजुअल ऐसे हैं जिसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मोटॉमी के प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट जो है उसमें मल्टीपल डिवीजन होगा बट विदाउट द न्यूक्लाई डिवीजन। ठीक है, तो ये आपको मुझे समझाना था स्पोरुलेशन के प्रोसेस के जस्ट बाद नोट पॉइंट में। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट, वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ बडिंग एंड एज वेल एज द जेम्यूल फॉर्मेशन इन द स्पंजीज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।